बीजेपी संसद दल की बैठक आज, पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन की जाएगी समीक्षा। 20 मार्च को शपथ ले सकते हैं सीएम योगी, सूत्रों के हवाले से खबर। 19 मार्च को विधायक दल की बैठक, बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भेजा जा सकता है न्योता। यूपी उत्तराखंड में सरकार बनाने की कवायद तेज, अमित शाह और रघुवर दास का लखनऊ दौरा आज, ऑब्जर्वर बनाए जाने के बाद पहला दौरा। राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी को उत्तराखंड का सौंपा गया जिम्मा। आज यूपी में बीजेपी जारी कर सकती है एमएलसी प्रत्याशियों के नाम, कल सीएम आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में हुआ था मंथन। रंग भरी एकादशी पर निकली काशी विश्वनाथ की शोभा यात्रा, रंगों में सराबोर नजर आई बाबा की नगरी, जमकर उड़े अबीर गुलाब। कांग्रेस अध्यक्ष के चयन को लेकर वीरप्पा मोइली ने सोनिया गांधी से की अपील, कहा पार्टी का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में लेने का यही सही समय। यूपी उत्तराखंड में टैक्स फ्री हुई द कश्मीर फाइल्स मूवी, शासन के निर्देशों के बाद फैसला लागू, कश्मीर पंडितों के पलायन और दर्द पर बनी है फिल्म। फिल्म कश्मीर फाइल्स पर देश भर में जारी है राजनीति, कांग्रेस ने बीजेपी पर राजनीति करने का लगाया आरोप, वित्त मंत्री सीतारमण ने किया पलटवार, कहा अलगाववादियों से हाथ क्यों मिला रहे थे तत्कालीन पीएम। रूस युद्ध यूक्रेन को लेकर आज संसद के दोनों सदनों में बयान देंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, लोकसभा राज्यसभा में ऑपरेशन गंगा पर दे सकते हैं जानकारी। पाकिस्तान की ओर गलती से दागी गई मिसाइल को लेकर आज सदन में बयान देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दोनों सदनों में इस घटना को लेकर हो सकती है तीखी बहस। हिजाब विवाद को लेकर आज कर्नाटक हाईकोर्ट देगा फैसला, बेंगलुरु में एक हफ्ते तक आंदोलन और विरोध प्रदर्शन पर लगी रोक, उड़पी में धारा 144 लागू। भारत ने श्रीलंका को टेस्ट सीरीज में किया क्लीन स्वीप, 238 रनों से जीता बेंगलुरु टेस्ट, मैन ऑफ द मैच रहे श्रेयस अय्यर, तो ऋषभ पंत को मिला मैन ऑफ द सीरीज का खिताब। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच संयुक्त राष्ट्र का बड़ा बयान, यूएन महासचिव ने कहा हालात ऐसे कि अब परमाणु युद्ध की संभावनाओं से भी नहीं किया जा सकता है इनकार। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा, कहा यूक्रेन के प्रमुख शहरों को जल्द कब्जे में ले सकती है सेना, तीसरे देश की मदद लेने से किया इनकार। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम को लेकर हो रही बातचीत आज भी रहेगी जारी, दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच आज फिर होगी वर्चुअल बैठक। चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र में दोबारा लौटी बिजली, यूक्रेन में आईएईए को दी सूचना, कहा प्लांट को पावर ग्रिड से जोड़ने का काम जारी। मेलिटोपोल के मेयर को लेकर यूक्रेन की मीडिया का बड़ा दावा, दावे के मुताबिक अगवा किए गए मेयर को रूस के कब्जा वाल लुहानसक ले जाया गया।